Assalamu alaikum friends, welcome back to Mooda's Kitchen Official. Today in this video I am gonna share egg labab the recipe जो बहुत ही delicious and creamy gravy है. ये eggs के साथ बनाई जाती है. ये एक quick and unique recipe है जो कम time में prepare हो जाती है and best है for egg lovers. So do try this and serve for dinner or lunch as the main course. So let's start the recipe. रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस की अपडेट मिल सके. एग लबाबदार बनाने के लिए ये मैंने यहाँ पर 15 कैश्यू नट्स, 2 स्मॉल पीस ऑफ जिंजर, 6 गार्लिक क्लव्स, 4 ड्राइड रेड चिलीज, 1 लार्ज अनियन, 2 स्मॉल टमाटोज, 1 टेबल स्पून कोरियंडर सीड्स, 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स, 1/2 tablespoon fennel seeds, 3 green cardamom, 1 bay leaf. अब इन सारे ingredients को mixer jar में transfer करेंगे and थोड़ा सा like 1/2 cup water add करेंगे and blend करके smooth सा fine paste बना लेंगे. ये देखिए paste ready हो गया है. जितना पेस्ट स्मूथ होगा ग्रेवी भी उतनी ही स्मूथ बनेगी, तो इसीलिए पेस्ट को अच्छे से ब्लेंड कर ले लेना. ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में 5 टेबलस्पून ऑयल हीट करेंगे एंड ये ब्लेंडेड पेस्ट ऐड करेंगे और यहाँ पर अब पेस्ट को अच्छे से चलाते रहना है एक बॉईल आने तक मीडियम फ्लेम पर. इस ग्रेवी में इसका मेन पार्ट यही है, ग्रेवी को अच्छे से भूनना है इतना कि इसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाए प्लस ये थिक भी हो जाए. फ्लेम को यहाँ पर मीडियम पर रखेंगे. ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रेवी में बॉयल आने लग गया है. अब ये 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/4 टी स्पून शुगर ऐड करेंगे एंड अच्छे से मिला लेंगे एंड कंटिन्यूसली ऐसे ही ग्रेवी को स्टर करते रहेंगे. पर ध्यान से, बबल्स आप पर स्प्लैश हो सकता है. ये देखिए ग्रेवी की क्वांटिटी रिड्यूस्ड हो गई है, इसका मतलब है सारे मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं. अब 1/2 ग्लास वाटर ऐड करेंगे उसी जार को क्लीन कर एंड एक बॉईल आने तक कुक करेंगे. वाटर आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग ऐड करें एंड हाँ, जितना ऐड करना है इसी स्टेज पर ऐड करेंगे. फिर एक बार एग्स ऐड करने के बाद इस ग्रेवी में वाटर ऐड नहीं करते हैं बिकॉज उससे ग्रेवी का टेक्सचर और लुक दोनों ख़राब हो सकता है. इसीलिए आप इसी स्टेज पर अपने हिसाब से पानी ऐड कर लें. ये देखिए ग्रेवी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है. अब यहाँ 1 टेबल स्पून ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स ऐड करेंगे. इसे हाथों में अच्छे से क्रश कर ऐड करें एंड ये 2-3 टेबल स्पून कुकिंग क्रीम एंड ये थोड़े से फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स एक बार मिक्स करें एंड कुक करेंगे फॉर 1 मिनट ऑन लो फ्लेम. क्रीम ऐड करने के बाद इसे ज़्यादा नहीं कुक किया जाता है हाई फ्लेम पर, इसीलिए हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे. 1 मिनट हो गया है, ग्रेवी में दोबारा से बॉयल आने लग गया है. यहाँ पर अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे थोड़ी देर के लिए सो दैट इसमें क्रैक्ड एग्स हम ऐड कर सके इजीली, वरना ये बबल स्प्लैश हो सकते हैं. तो 1 by 1 एग्स ऐड करेंगे क्रैक कर. ये मैंने टोटल 7 एग्स ले लिए हैं. सारे एग्स ऐड करने के बाद अब गैस की फ्लेम को दोबारा से ऑन करेंगे. एग्स को अब बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे एंड लो फ्लेम पर कुक करेंगे लीड क्लोज कर फॉर 3-4 मिनट्स. 3 मिनट्स बाद लीड ओपन करेंगे एंड एग्स को स्लोली फ्लिप करेंगे 1 by 1. सारे एग्स को फ्लिप कर लेने के बाद अगेन इसे कवर करेंगे एंड कुक करेंगे फॉर 2 मिनट्स ऑन लो फ्लेम. 2 मिनट्स हो गए हैं, लीड ओपन करेंगे एंड अगेन एग्स की साइड्स को चेंज करेंगे. अब एग्स की साइड्स को चेंज करने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे. फ्रेंड्स, ये एग लबाबदार ग्रेवी रेडी हो गई है. आप इसे गार्निश करेंगे थोड़े से फेनुग्रीक लीव्स, क्रीम एंड कोरिएंडर लीव्स के साथ. मैं इसे ही डायरेक्ट इसे पैन पर सर्व करूंगी बटर नान के साथ.
आप इसे राइस, रोटी या फिर कोई भी इंडियन ब्रेड के साथ सर्व करें एंड एंजॉय करें। है ना ये रिच, क्रीमी एंड एक्सट्रीमली डिलीशियस रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एग लबाबदार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।